हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS चंडीगढ़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, आपका प्रीलिम्स जो है मई 31, 2020 को आने वाला है। ठीक है, तो जैसे अभिपीडिया ने आपसे वादा किया था, रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट कंसेप्ट्स कवर करवा रहे हैं ताकि आपको प्रीलिम्स और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेंस का इंसाइट भी मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी में बच्चे कई बार इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि मेंस से कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रीलिम्स पे भी हम फोकस करें और मेंस पे भी आपको थोड़ा बहुत हम फोकस देते रहे। तो दोस्तों, अब ये आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारी सिक्योरिटी वाली सीरीज चल रही है, न्यू इंडिया एंड इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो उसमें आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बड़ा ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। वो है आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन, या बुडापेस्ट कन्वेंशन, इसको अगर मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस करूं तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट? आप में से काफी लोगों को शायद पता हो, इट इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड ये एक कन्वेंशन है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिस कन्वेंशन इज व्हाट। तो ये कन्वेंशन है एक काउंसिल ऑफ यूरोप की, ठीक है, एंड इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसर्निंग साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को कंसिडर जो एक कन्वेंशन करती है, वो आपकी इकलौती ये बुडापेस्ट कन्वेंशन है जो उसको कंसर्न में लेकर आती है। ठीक है, तो मेन एरिया ऑफ फोकस जो है वो साइबर क्राइम के ऊपर यहां पर रहता है। एंड अगर मैं बात करूं, इट डील्स विद फ्रॉड्स सच एज इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, जो कॉपीराइट कंसर्न्स होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड पॉर्न होती है, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, उसको भी ये कंसिडरेशन में लेकर आती है, एंड वायोलेशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, वायोलेशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी को भी ये कंसर्न में लेकर आती है कन्वेंशन आपकी। दूसरी चीज, इट एम्स टू परस्यू अ कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी especially by adopting appropriate legislations and fostering international police as well as judicial cooperation। मतलब ये एक तरह से international support को gather करना चाहती है। ठीक है, aims to gather international support, क्योंकि देखिए जो cyber crime है, अब आपको एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी समझने की जरूरत है, that cyber crime has no boundaries। ठीक है, आप ये define नहीं कर सकते भाई कि cyber crime की ये कोई boundary है, क्योंकि internet is global। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्लोबल फिनोमिना। अगर कोई दुनिया के किसी और कोने में बैठा है, US में बैठा है, तो वो एक साइबर क्राइम इंडिया में कर सकता है, साइबर अटैक इंडिया में कर सकता है। उसको यहां पर आने की भी जरूरत नहीं है, किसी को भेजने की भी जरूरत नहीं है, वो वहां बैठे बैठे आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है हमला बोल सकता है। ठीक है, इसी वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके पास अगर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होगा तो आप क्विकली एक्ट नहीं कर सकते। और साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। आपकी इकोनॉमी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, आपकी स्टॉक मार्केट इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और एक आपका साइबर क्राइम जो है भारी पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि एक इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो आप गैदर करें। ठीक है, और ये जो आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन है, इट इज सप्लीमेंटेड बाय अ प्रोटोकॉल ऑन ज़ेनोफोबिया एंड रेसिज्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, सप्लीमेंटेड बाय अ प्रोटोकॉल ऑन ज़ेनोफोबिया एंड रेसिज्म। ठीक है, तो ये उसको भी टैकल करता है, क्योंकि आपका जो साइबर एरिया है, दैट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ज़ेनोफोबिया एंड रेसिज्म। ठीक है, तो उसको रोकने की भी यहां पर कोशिश की जाती है। और इस अब हम कुछ फैक्ट्स यहां पर जो कंसीडर करने वाले हैं वो ये है, इसके मेंबर्स कितने हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है, 56 मेंबर्स हैं, और इसमें आपका US और UK जैसे बड़े देश भी आते हैं बच्चों, US और UK जैसे बड़े देश भी आते हैं।
अब प्रीलिम्स का एक और स्टेटमेंट, क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो मैं कहूंगा नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया को ये कन्वेंशन ज्वाइन करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं इंडिया को ये कन्वेंशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जो इसके फेवर में है कि आप ज्वाइन कीजिए, वो क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आप इस कन्वेंशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। एक तो वाई टू ज्वाइन, अगर मैं बात करूं वाई टू ज्वाइन, तो कहते हैं भैया इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, आपके खुद के देश में साइबर कंसर्न इतने ज्यादा हैं, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्या कहते हैं कि आप साइबर क्राइम के मामले में आपकी इंटरनेशनल से बढ़ेगी, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपकी से है वो इंक्रीज होगी। क्लियर, आप एक स्टैंड ले सकते हैं इंटरनेशनली, जब तक आपने कन्वेंशन ही नहीं साइन की होगी तो आप इंटरनेशनल स्टैंड कैसे लेंगे, तो इंटरनेशनली आपकी जो है स्टैंडिंग बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप कन्वेंशन साइन करेंगे तो कन्वेंशन साइन करने से अब कन्वेंशन आपके ऊपर एक जो है प्रेशर डालेगी कि आप लेजिस्लेशन क्रिएट करें प्रॉपर साइबर क्राइम से डील करने के लिए, ठीक है, तो लेजिस्लेशनल एफर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, लेजिस्लेशनल एफर्ट्स विल इंक्रीज, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नो, यू शुड नॉट ज्वाइन, व्हाई नॉट टू ज्वाइन, हमें दोनों इश्यूज पता होने चाहिए, व्हाई नॉट टू ज्वाइन, क्यों हम इसको ज्वाइन ना करें। तो पहले तो डेवलपिंग, काफी डेवलपिंग नेशंस ने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ, उनका मेन इशू ईगो वाला है, कहते हैं डेवलप्ड नेशंस ने ये कन्वेंशन बनाते वक्त हमसे पूछा ही नहीं हम क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। मैनी डेवलपिंग नेशंस हैव नॉट ज्वाइंट, मैनी डेवलपिंग नेशंस हैव नॉट ज्वाइंट। जब तुमने हमसे पूछा नहीं कन्वेंशन बनाते समय, तो अब हम क्यों ज्वाइन करें। दूसरा मेन कंसर्न जो है वो सॉवरेनिटी का है, सॉवरेनिटी का है, सॉवरेनिटी का कैसा इशू है। अब इस कन्वेंशन में एक आर्टिकल लिखा है कि अगर जो इस कन्वेंशन को साइन करते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री की जो आपके साइबर रिकॉर्ड्स हैं उनको बिना उस कंट्री की परमिशन के जो है एक्सेस कर सकती है, समझे। फॉर एग्जाम्पल यूएस और यूके दो मेंबर हैं, यूएस में कोई साइबर क्राइम हुआ, ठीक है, अब यूएस को शक है कि ये साइबर क्राइम यूके में से कहीं से हुआ है, तो यूएस यूके की परमिशन के बिना, यूएस की जो लोकल पुलिस है वो यूके की परमिशन के बिना यूके के सर्वर जो है वो एक्सेस कर सकती है। तो यहां पर जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आईबी जैसे है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने इसी सॉवरेनिटी का रीजन लेते हुए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि आप ये कन्वेंशन ना साइन कीजिए। क्लियर, तो और भी इसके साथ बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि क्यों इंडिया को इसको ज्वाइन करना है और क्यों इसको नहीं ज्वाइन करना है। मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा ये, और प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल से ये सप्लीमेंटेड है, कितने इसमें मेंबर्स हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमारा, हमने दोस्तों बुडापेस्ट कन्वेंशन देखा ब्रीफली, आई होप आपको मजा आया होगा और आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा अभी पीडिया पोर्टल का लिंक भी मिलेगा, जहां पर आप जाकर आपको हमारे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्रीलिम्स पास आ रहा है, आप तो जान लगा ही देंगे, आपके साथ साथ अभी पीडिया भी पूरी जो है जान लगा देगा आपका सिलेक्शन करवाने में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।